इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज चौथा सवाल ये रहा, छठ महापर्व कितने दिनों का मनाए जाने वाला त्योहार है? ए एक दिन, बी दो दिन, सी तीन दिन या डी चार दिन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहले दिन के पहले प्रश्न 2 जुलाई के प्रश्न का सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: विक्की कुमार, चंद्रभूषण कुमार, संजीव कुमार, मिथुन कुमार, एमकेपी, रोहित कुमार, श्रवण कुमार, रविशंकर यादव, मोहित पंडित, चंदन यादव, आयुष कुमार, टिंकू पासवान, सरफराज आलम, नवनीत कुमार, राज रूपेश, रोहित कुमार, योगेश राय, संतोष कुमार, शमशीर आलम, अर्चना कुमार, उत्तम कुमार, धूम यादव, प्रदीप कुमार, रॉकी रंजन एवं ललित शर्मा। बिहार की पहली ट्रेन जिसमें वेलकम करेगी होस्टेस फ्लाइट की तरह होगा किराया। देश में 109 रूट पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों में से एक भागलपुर के खाते में आई है। यहां से पहली प्राइवेट ट्रेन हावड़ा के लिए निकलेगी। परिचालन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। ट्रेन का किराया हवाई किराया एयरफेयर के आधार पर तय होगा। बोगियां पूरी तरह वातानुकूलित होगी। इस ट्रेन में एयर होस्टेस की तर्ज पर यात्रियों का स्वागत होस्टेस करेगी। अभी तक के निर्णय के मुताबिक इस ट्रेन का परिचालन रोजाना होगा, जिसके लिए संभावित समय सारणी भी जारी कर दी गई है। भागलपुर से सुबह 6:25 पर चलकर यह ट्रेन दोपहर 2:05 हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा से दोपहर 2:35 चलकर रात में 10:10 भागलपुर पहुंचेगी। भागलपुर में बालू माफिया का तांडव, कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर किया पथराव। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में देर रात दुस्साहसी बालू माफिया और उसके गुर्गों ने मिलकर पुलिस जिप्सी पर पथराव कर दिया। वहीं इस पथराव में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और हवलदार अब्बास खान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस जिप्सी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके से 2 बाइक को जब्त करते हुए पथराव कर रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बालू माफिया बजरंगी यादव इन दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं डीएसपी ने भी घायल पुलिसकर्मी से मामले की पूरी जानकारी ली है। इस दौरान डीएसपी ने जांच उपरांत पथराव में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। नवगछिया में 2 थाने के थाना अध्यक्ष, 5 पुलिसकर्मी, 1 न्यायालय कर्मी सहित 11 लोग कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में पुनः एक बार कोरोना विस्फोट हुआ है। शनिवार को नवगछिया के मुमताज मोहल्ला से 2 महिला समेत 3 नवगछिया पुलिस जिले के 2 थाने के थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मी, 1 न्यायालय कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पुलिसकर्मियों में नवगछिया पुलिस जिला के 2 दरोगा भी हैं। इनमें से 1 नवगछिया के अस्थायी थाने के दरोगा हैं, जो पिछले दिनों झंडापुर ओपी से आए थे। दूसरे दरोगा और 5 पुलिसकर्मी झंडापुर ओपी गए हैं, जिनकी सैंपलिंग नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया था। कुल मिले 11 लोगों में सभी लोग पिछले दिनों पाए गए कोरोना संक्रमित लोगों से संपर्क में आए थे। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के स्तर से सभी संक्रमित लोगों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया है। वहीं चिकित्सकों का मानना है कि यह बेहद खतरनाक स्थिति है। अगर आए दिन इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सभी उम्र के लोगों में यह बीमारी फैलने लगेगा। नवगछिया में 50 लोगों की हुई सैंपलिंग जांच। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में शनिवार को कुल 50 लोगों की सैंपलिंग जांच के लिए ली गई है। इसमें न्यायालय कर्मी, पुलिस कर्मी और नवगछिया बाजार के लोग व मुमताज मोहल्ला के भी कुछ लोग शामिल हैं। नवगछिया कंटेनमेंट जोन में डिस्टेंसिंग का अभाव। नवगछिया शहर में वर्तमान में 60 से अधिक एक्टिव मामले सामने आए हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। नवगछिया शहर में चाय नाश्ते की दुकानें, सिंगार प्रसादन, जूता चप्पल कपड़े, फास्ट फूड, जंक फूड की दुकानें भी खुल रही है। इन दुकानों पर सुरक्षा के मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरी तरफ सब्जी मंडी में अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है। नवगछिया बाजार के अभिनेता सह टोपी चश्मे के दुकानदार दिलीप आनंद ने बताया कि मास्क का उपयोग बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और कार्रवाई करने की भी जरूरत है। वहीं नवगछिया मुमताज मोहल्ला के जफर ने बताया कि नवगछिया की स्थिति काफी खतरनाक है। नवगछिया के बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों को भी इस स्थिति से निपटने के लिए आगे आने चाहिए। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि नगर पंचायत की ओर से सैनिटाइज छिड़काव और मास्क चेकिंग किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने वालों और दुकानदारों की फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। नवगछिया के तेतरी में एक थैले से बरामद हुआ 5 बम सनसनी, गांव में दहशत का माहौल।
नौगछिया के तितरी बुद्धूचक गांव में पिंटू कुंवर के बाड़ी में एक थैले में रखा हुआ 5 जिंदा बम बरामद होने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बम मिलने के बाद पूरे गांव में अपराधिक स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना नौगछिया पुलिस को दी गई। बम मिलने की सूचना मिलने पर नौगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर नौगछिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सहित कई अन्य थाने की पुलिस व थानाध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंचे और बरामद बम को बड़ी सावधानी से बालू व पानी को बाल्टी में रखकर बरामद बम को उसमें डालकर वहां से ले गए। उक्त स्थल से पुलिस ने 5 बम बरामद किए हैं। पिंटू कुंवर के बाड़ी में किस अपराधी ने बम रखा था, पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई है। देखा ले चारों बगल देखे तारू नहीं गलो तनिट के गिरलो रहे देखे लाल रंग के झोला रहे झोलो में गाछी तरह केला गाछी में झोला रहे झोलो में रहे पन्नी में बुनलो पर करका पन्नी जेना झोला हंसका वाले नया झोला देखलिए की भीतरी में के झोला रखने जेनो पन्नी खोला लगल देखे रस्सी लपेटलो की पूरा सबके बोला देखा की चीज छिके देखिए तन आबी के बम छिके जल्दी प्रशासन के फोन करो जाके देखते अपना जो करता कर गिनती करने गिनती कर निकालना छिके बीतो में घर तेतरी वो दो चक। अच्छा तो बम मिला उसके द्वारा गाँव में हल्ला हुआ, हम लोगों को भी सूचना मिला, हम लोग पहुंचे, उसके बाद पुलिस को सूचना की गई, पुलिस भी आ चुकी है। नवगछिया में राजद की साइकिल रैली आज, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रविवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गोपालपुर प्रखंड इकाई द्वारा 5 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा। प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ जनता को गोलबंद करने हेतु राजद द्वारा लगातार जन आंदोलन किया जाता रहेगा। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। नवगछिया के गोपालपुर में 15 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ अवैध शराब कारोबारी कालोचक निवासी शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आशय की जानकारी थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने दी। मोटरसाइकिल से 16 बोतल विदेशी शराब बरामद। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर ढाला के समीप NH31 सड़क मार्ग पर शुक्रवार की देर रात्रि रंगरा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 16 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। बरामद किए गए शराब एवं मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि मोटरसाइकिल चालक एवं शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। नवगछिया में रविवार एवं सोमवार को फीटर में रहेगा शटडाउन। नौगछिया के 33 KV में मकंदपुर एवं 33 KV में रंगरा 5 जुलाई से 6 जुलाई तक रविवार एवं सोमवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शटडाउन रहेगा। वहीं 11 KV हाई लेवल में भी रविवार से मंगलवार तक 7 बजे सुबह से 12 बजे तक शटडाउन रहेगा। नारायणपुर BA में फॉर्म की तिथि स्थगित। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के BA, BSc पार्ट 2 एवं पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने की अगली तिथि अगले आदेश तक स्थगित हो गया है। आशय की जानकारी देते हुए JP कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य डॉक्टर राजवंश यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज के फैलाव को लेकर निर्धारित तिथि को स्थगित कर अगले आदेश के लिए सूचना जारी किया गया है। नारायणपुर में राजद ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का फूका पुतला। नारायणपुर प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 नारायणपुर चौक पर शनिवार की संध्या राजद प्रखंड अध्यक्ष केदार शर्मा की अध्यक्षता में राजद कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। मौके पर छात्र, राजद प्रदेश महासचिव सहित कई अन्य उपस्थित थे। PSC नारायणपुर में कोरोना टेस्ट के लिए 30 लोगों का लिया गया सैंपल। PSC नारायणपुर में शनिवार को 30 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है। आशय की जानकारी देते हुए PSC चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजयन कुमार विद्यार्थी ने बताया कि 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी व्यक्ति को बता दिया जाएगा। जांच के पूर्व सभी लोगों का पंजीयन किया गया है। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178773250524 37 पर
ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8994555586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।